Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start economics. So students, 9th standard में हमने economics start किया था and वहाँ पर हम लोगों ने factors के बारे में पढ़ा था, correct? Economic activities के बारे में थोड़ा study किया था हमने, then उसके बाद हमने देखा था कि production हम कैसे करते हैं, what are the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. So ये सब हमने अपने 9th standard में पढ़ा था. अब 10th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देन उसके बाद कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी हम 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव टेकन प्लेस इन आर कंट्री, जो चेंजेस हुए हैं हमारी कंट्री में वो सब हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे. नाउ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डेवलपमेंट. नाउ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. क्या पढ़ेंगे हम, दैट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. देन उसके बाद वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि हम कैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, हम कैसे कंट्री का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस. वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. How should people live together? Can there be more equality? क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That जो development word है या ये जो development का idea है ये हमेशा से हमारे साथ रहा है. Development का मतलब क्या होता है? Progress होता है. What is development? Development means progress. Correct? Progress का idea हमेशा हमारे साथ रहता है. हमेशा हमारे कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए. सेम डिज़ायर्स हमें हमारी कंट्री के लिए भी होते हैं, दैट हमारी कंट्री में ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारी कंट्री में लोग एक साथ हैप्पीली रहने चाहिए. सो ये सब चीज़ें हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं? डेवलपमेंट से एसोसिएट कर सकते हैं. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग. Development involves thinking about these questions and about the way in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answer to many questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. Now, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That development को understand करना ये एक बहुत complex task है, because इकोनॉमिक्स और SST के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब बेसिकली किससे डील करते हैं? ह्यूमन से डील करते हैं. करेक्ट? एक पर्सन से डील करते हैं एंड पर्सन टू पर्सन उनके डिज़ायर्स, उनके एस्पिरेशंस चेंज होते जाते हैं. अगर डिज़ायर चेंज हो रहा है तो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो भी उनके लिए चेंज होगा. ठीक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए डेवलपमेंट राइट ना हो सकता है कि आपको 10th में ग्रेटर परसेंटेज अचीव करने हैं, लेकिन वही सेम डिज़ायर किसी और का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. गेटिंग? सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन वी विल स्टार्ट स्टडिंग इट. नेक्स्टली यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर, डेवलपमेंट का आंसर हमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस से भी कुछ कुछ समझ में आएगा. वाई? बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, या सपोज आज आप जिस वे में रह रहे हो वो आज की एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, वो किस एक्टिविटीज़ की वजह से होगा? जो एक्टिविटीज़ हमने पास्ट में की है उनकी वजह से होगा. सो डेवलपमेंट सिर्फ अभी के लिए नहीं है, डेवलपमेंट
पास्ट से भी एसोसिएटेड है, आपने पास्ट में जो एक्टिविटीज़ की होंगी उन सब एक्टिविटीज़ का इन्फ्लुएंस आज आपको देखने को मिल रहा है। सो लेट स्टार्ट कि डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये हमने पीछे ही पढ़ा कि अलग अलग लोग हैं तो लोगों के गोल्स भी अलग अलग होंगे। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। यू विल फाइंड द कॉलम्स पार्टली फिल्ड। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल देख के हमें समझ में आएगा कि डेवलपमेंट का मतलब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। लेट स्टार्ट। लैंडलेस रूरल लेबरर। अभी हम लोगों ने लैंडलेस रूरल लेबरर कौन होगा? जो पर्सन रूरल एरिया में रहता है, उसके पास अपना खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरे के लैंड पर जाकर काम करता है। करेक्ट। तो ऐसे पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? ऐसे पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, फर्स्टली उसको रेगुलर वर्क मिले। करेक्ट। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पालमपुर वाली स्टोरी में, दैट जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता, उनको प्रॉपर सैलरीज नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलते प्रॉपर। सो यहाँ पर एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू अस भी हम बताएंगे कि वेरी फर्स्ट थिंग उसको काम के लिए ज़्यादा दिन मिले और उसका वेजेस भी उसको ज़्यादा मिले। अगर ज़्यादा वेजेस मिलेंगे तो वो अपना लाइवलीहुड प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा। या फिर क्या हो सकता है उसके लिए डेवलपमेंट? उसके लिए डेवलपमेंट ये भी हो सकता है कि उसको एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड मिले जिसको वो खुद कल्टीवेट करे। मतलब ही माइट थिंक के डेवलपमेंट उसके लिए क्या हो सकता है? पहला स्टेज तो क्या होगा ऑफ डेवलपमेंट, कि उसको रेगुलर वर्क मिले। एक बार उसको रेगुलर वर्क मिला, वेजेस उसके आने लगी, देन उसके बाद वो क्या सोचेगा दैट उसके पास भी एक प्लॉट ऑफ लैंड हो जिसको वो ओन करे, उसी पर वो कल्टीवेट करे। लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन विलेज। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक लैंडलेस लेबरर के लिए डेवलपमेंट मतलब क्या होगा? ज़्यादा दिन का काम, बेटर वेजेस, स्कूल जहाँ पे उसके बच्चे पढ़ सके, जिनको अच्छा एजुकेशन मिल सके, विलेज के अंदर कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एंड लीडर्स बनते टाइम पर उनको डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, ये उनके लिए डेवलपमेंट होगा। सेकेंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब लैंडलेस लेबरर का और प्रॉस्परस फार्मर का, दोनों का डेवलपमेंट गोल सेम नहीं हो सकता, दोनों का डेवलपमेंट गोल अलग होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गोल दिया है। एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन एब्रॉड। क्या होगा? ज़्यादा फैमिली इनकम आए, है ना, ज़्यादा अर्निंग करे, देन उनको चीप में लेबर मिल जाए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे अर्न करे एंड अपने बच्चे को बाहर फॉरेन में अपने स्टडीज़ के लिए सेटल कर सकें। ये किसके लिए गोल होगा? डेवलपमेंटल गोल होगा फॉर दी फार्मर इन पंजाब। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। अब ये एक ऐसा फार्मर है जो किस पर डिपेंड कर रहा है? बारिश पर डिपेंड कर रहा है क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? दैट ही शुड हैव द मनी, या उसको लोन मिल सके जिससे वो इरिगेशन सिस्टम सेटअप कर सके। क्या होगा इसके लिए गोल? दैट ही शुड गेट इनफ मनी, मतलब आइदर सेविंग से मिले या फिर बोरो करके मिले, कैसे भी उसको इतना मनी मिले दैट वो अपने फील्ड पर इरिगेशन सेटअप कर सके, ताकि अगर बारिश नहीं भी हो तो उसका क्रॉप फेलियर नहीं होना चाहिए। देन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रूरल वुमेन, दैट इज़ अ विलेज वुमेन,
जिसके पास, जिसकी फैमिली के पास लैंड है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, दैट उसको भी इक्वालिटी मिले, उसे भी फ्रीडम मिले, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी के लोगों को मिल रही है, दैट इज़ मेल मेंबर्स को मिल रही है, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को भी मिले। अभी यहाँ पे एक ये टेबल है, ये टेबल आप लोग मुझे कंप्लीट करके सेंड करोगे, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस एग्जामिन इट। डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज दैट विच कैन बी फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वॉन्ट मोर डैम्स बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्प्यूट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिसप्लेस्ड सच एज द ट्राइबल्स। दे माई ट्रांसेंड दिस एंड मे प्रिफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू विच मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर। इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। अब क्या बोला हुआ है, ये टेबल को स्टडी करके हमको समझ में आता है दैट हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो अलग अलग होता है। करेक्ट, हमने चार पांच हमने पढ़े, बाकी के आप नीचे देख सकते हो दैट जितने भी लोग थे उन सब के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग थे। बहुत बार तो ऐसा भी होता है दैट दोनों पर्सन के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। दैट इज़ अगर एक पर्सन कुछ चाहता है तो हो सकता है कि उसकी वजह से दूसरे पर्सन को हार्म पहुँचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा दैट जो लैंडलेस लेबरर था उसके लिए डेवलपमेंट क्या था कि उसको ज़्यादा वेजेस चाहिए। देन उसके बाद हमने फार्मर के बारे में पढ़ा, प्रॉस्परस फार्मर के बारे में, उसके लिए डेवलपमेंट क्या था दैट उसको चीप लेबर चाहिए। तो ये क्या हो गया, दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स एक दूसरे से अपोजिट हो गए। अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि अ गर्ल वो क्या चाहती है दैट उसको इक्वल फ्रीडम मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसके भाई को मिलती है। करेक्ट, एंड जितना हाउस होल्ड वर्क उसको मिलता है शी एक्सपेक्ट्स के उसका ब्रदर भी उसमें शेयरिंग करे। लेकिन हो सकता है कि उसका ब्रदर ये सेम चीज़ें नहीं चाहता। सो एक एक्टिविटी जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का गोल है हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट का गोल नहीं हो। जैसे अभी यहाँ पे हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इसके लिए वो ज़्यादा डैम्स बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब डैम्स बिल्ड करने की वजह से जो ट्राइबल लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पर ये पूरा एग्जांपल्स देख के हमको क्या समझ में आता है दैट डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। क्या बोला हुआ है, वेरी फर्स्ट थिंग कि हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकता है। एंड सेकेंड, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। गेटिंग क्या बोला है यहाँ पे, दैट एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट में काउंट होती है हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो। या ऐसा भी हो सकता है दैट जो चीज़ किसी पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है। समझ आया? सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ क्या थी दैट हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। सेकंड, जो चीज़ एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हुआ। अब
नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स. लेट्स सी ये क्या दिया है यहाँ पे. इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग. वॉट पीपल डिस्क्राइब आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और दी अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस. इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम. नाउ आपने देखा रहेगा टेबल में दैट हर एक पर्सन ने डेवलपमेंट के लिए क्या नोशन डाला, दैट उनके पास ज़्यादा इनकम आए. करेक्ट. फ्यू पर्सन आर थिंकिंग के रेगुलर वर्क मिले. रोज़ काम क्यों चाहिए लोगों को, ताकि बेटर वेजेस मिल सके, बेटर इनकम मिल सके. फार्मर चाहता है कि उसके क्रॉप को हाई प्राइस मिले. क्यों चाहता है, ताकि उसको इनकम मिले. यूथ जो है वो भी क्या चाहते हैं, दैट उनको जॉब मिले. जॉब क्यों करनी है उनको, ताकि उनके पास रिटर्न आए, मनी आए. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट के हर पर्सन जो हमने पीछे पढ़ा, उनमें मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो थे उनके लिए हर एक चीज़ किससे एसोसिएटेड थी, इनकम से एसोसिएटेड थी. मतलब इन शॉर्ट उनको क्या चाहिए था, ज़्यादा इनकम चाहिए था. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन. ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. नाउ क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट इनकम तो मेन गोल है ही है ना. जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उन सब में हमने देखा दैट इनकम को इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा था. लेकिन सिर्फ इनकम नहीं थी, हमने देखा दैट इनकम के साथ और भी चीज़ें थी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लैंडलेस फार्मर के केस में देखा, उसको स्कूल्स चाहिए थे एजुकेशन के लिए. देन उसके बाद वी सॉ दैट कि दे डिड नॉट वांटेड डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए था. फिर हमने ऊपर गर्ल वाला टॉपिक जो पढ़ा उसमें वी सॉ दैट शी वॉन्टेड इक्वालिटी एंड फ्रीडम. समझे. सो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट क्या बताया है कि सिर्फ इनकम डेवलपमेंट का गोल नहीं होता, इनकम के अलावा इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. एंड बहुत सारे केसेस में तो लोग इक्वालिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं. समझ आया क्या बोला मैंने. वेरी फर्स्ट थिंग, इनकम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन इनकम के साथ साथ में हमें क्या क्या चीज़ें और चाहिए. वी रिक्वायर इक्वल ट्रीटमेंट, हमारे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए कि हम सेफ हैं, हमारी लाइफ को कोई हार्म नहीं है. देन उसके बाद हमें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए. सो ये सब चीज़ें हैं जो इनकम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है. एंड बहुत सारे लोग, बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि एसएस या इकोनॉमिक्स जो है वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग अलग होता है. सो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें उनके लिए इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है. मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मैंशनड अबोव. इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू. देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ. यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. सिमिलरली देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड, बट दे मीन अ लॉट टू आर लाइफ. दिस आर ऑफन इग्नोर्ड. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट मनी एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस आर दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है. बट हमारी लाइफ सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स या मनी पर डिपेंड नहीं करती. मनी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है.
ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स क्यों होते हैं? मटेरियल थोड़ी है, पैसे थोड़ी है वो, बट फिर भी दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। मेनी अ टाइम्स जब आपके पास फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आपको मतलब यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन अ प्रॉपर वे, समझे? सो फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शो करता है दैट नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप मनी से खरीद नहीं सकते, वो भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, समझे? तो ये किसका एग्जाम्पल है, दैट मनी के साथ साथ लोगों की लाइफ में डेवलपमेंट के लिए दूसरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ हमें फ्रेंडशिप के बारे में दिया था, फ्रेंडशिप को हम मनी से मेजर नहीं कर सकते। अब बहुत बार क्या होता है, जिन चीज़ों को हम मनी से मेजर नहीं करते, हम उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना सही नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, दैट जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं करते, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो चीज़ें मेजर नहीं हो सकती, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। अभी ये एक हमें फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया था, जिससे हमें बताया था कि वो मेजर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक और एग्जाम्पल दिया है, जिसमें हमें पता चलेगा दैट मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बेटर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। इन अदर केस अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अनदर जॉब हावेवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लिव नो टाइम फॉर योर फैमिली। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अभी यहाँ पे हमें है ना एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दो कंपनीज़ है जो आपको जॉब ऑफर कर रही है, कंपनी ए और कंपनी बी। नाउ कंपनी ए बहुत इनकम दे रही है, मतलब पैकेज बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि जिस एरिया में आपका कंपनी ए है, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, प्लस वो कंपनी आपको रेगुलर जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं दे रही है ना। इनकम ज़्यादा है लेकिन जॉब कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास कंपनी बी है, कंपनी बी आपकी फैमिली के लिए भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है। जिस जगह पर कंपनी बी है वहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी है, प्लस कंपनी बी आपको जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ आपका जॉब जल्दी, मतलब ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि कल से मत आओ, करेक्ट? आपको जॉब सिक्योरिटी भी कंपनी बी दे रही है। तो दोनों केस में आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली एक रैशनल पर्सन कंपनी बी सिलेक्ट करेगा। क्यों कंपनी बी सिलेक्ट करेगा? बिकॉज दो इनकम थोड़ा कम है लेकिन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, फ्रीडम है, जॉब का सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें आपके पास कंपनी बी में है। तो एक पर्सन क्या सिलेक्ट करेगा? कंपनी बी सिलेक्ट करेगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब एंड रन अ बिजनेस। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अभी यहाँ क्या बोला हुआ है, दैट कोई भी पर्सन जब वर्क करता है या कुछ भी इनकम अर्न करता है, तो उसके लिए वो लोग रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सब चीज़ें भी अर्न करना चाहते हैं। नाउ जो वुमेन्स होते हैं,
उनको रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इक्वल क्यों नहीं मिलता, मेन के इक्वल क्यों नहीं मिलता? द रीज़न इज़ कि उनके वर्क को पे नहीं मिलता। यहाँ पे दिया है ना कि अगर वुमेन को भी हाउस होल्ड वर्क के लिए पे किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली घर में, सोसाइटी में उनका रिस्पेक्ट, उनका डिग्निटी, सब कुछ इंक्रीज होगा। प्लस अगर बाहर के साइड हमें सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो ज़्यादा वुमेन इसमें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन घर के बाहर काम भी करेंगे। सो इन शॉर्ट ये पूरे एग्जाम्पल्स का मीनिंग क्या था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं होता। इनकम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ें? रिस्पेक्ट, करेक्ट, इक्वालिटी, देन उसके बाद फ्रीडम, देन इक्वल ट्रीटमेंट, सॉरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सिक्योरिटी, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।